हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जो आईफोन में किसी भी वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं जो आपके पहले से ही कनेक्टेड है, ठीक है, डिवाइस का, पर आपको पासवर्ड नहीं पता है कि आपको पासवर्ड क्या है। कई बार लगा के भूल जाते हैं या फिर आपको कोई देना नहीं चाहता है, तो आपके पास पहले से कनेक्टेड है तो आप उसे पासवर्ड मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने डिवाइस में जा करके कनेक्टेड डिवाइस में पासवर्ड को देख सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। कनेक्टेड डिवाइस होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी का भी पासवर्ड यूं ही देख लेंगे। आपके डिवाइस से कनेक्टेड होना चाहिए पहले से पासवर्ड। आपके डिवाइस में दोस्तों ने कनेक्ट कर तो दिया है आपका, किसी फ्रेंड ने, पर आपको पासवर्ड नहीं बताया, तो आप खुद भी पासवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईफोन से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो बना चुका हूँ। आईफोन ही नहीं, और भी अदर ब्रांड का आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मोटरोला हो गया, ठीक है, ओप्पो वीवो हो गया, आईको हो गया, जो मतलब आपको लेटेस्ट फ़ोन आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा पासवर्ड को देखने के लिए, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर बैक कर लिया। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको इस टाइप का ऑप्शंस दिखेगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाईफाई का आइकन दिखेगा। आप देख सकते हैं आइकन दिखेगा और यहाँ पे वाईफाई लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको ये जो आई वाला बटन है आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिले जाएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है और आपका पासवर्ड दिख जाएगा, ठीक है। और जैसे कि सेकेंड ऑप्शंस भी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम सिर्फ पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, जैसे पासवर्ड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाला एप्पल आईडी का दिखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक ही तरीका है, बस सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आप सर्च करके नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो आइकन एक और दिखेगा, आई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके दिख जाएगा। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पीसी लैपटॉप से रिलेटेड भी वीडियो बनाया तो उसे देखना मत भूलिएगा।